ओ इंडिया वालों, ये क्या क्या विराट भैया, हमको आप पर बहुत भरोसा था तुम जीतेगा, लेकिन तुम तो सारा का सारा बल्लेबाज लंच से पहले ही आउट हो गया यार। पूरा दिन खेल लेते टुक टुक करके, कम से कम 209 रनों से ना हारते, हार नहीं था तो 40-50 से हारते। छोड़ो बाबर, बुरा दरीना ने कहा जीतना था, एक पारी से हमने ठोकना था, वो तो पहली पारी में हमने अंतिम में इनकी बल्लेबाजों को रन बनाने दिए, फिर आज हमको गुस्सा आ गया इनकी टेन टाइम पर कैसे विकेट ली, 209 रनों से ठोका, एक पारी से बच गए। अबे बस कर ससुर की नाती, तू तो केवल 3 विकेट लिया, तेरे से तो वो नाथन लाइन तुम्हारा 4 विकेट ले गया ससुरी का, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, तुम जीत गए तो क्या हुआ, हम याद रखता बदला लेगा तुमसे। विराट भैया वो नाथन लाइन 4 विकेट बाद में लिया, मैंने 13 विकेट लिया, वो 10 विकेटों के बराबर था, उसके बाद जड्डू को भी शून्य पर आउट किया भैया, मैंने तुम्हारी कमर तोड़ी भैया, ये 2 विकेट निकाल के तुमको मजा में चिखाया। ऑस्ट्रेलिया वालों, आपका काम था इतना सो आपने किया, अब हमारा काम है, हमको करने दो इनकी बेइज्जती, तुम बैठ के मजे लो। क्यों इंडिया वालों, लंबी लंबी छोड़ रहे थे ये कर देंगे हम जीत जाएंगे, जब ससुरी वालों तुमको पता है तुम्हारी औकात नहीं जीतने की, तो लंबी लंबी काय को फेंकी। ओ चाचा क्रिकेट, ये बात तो तुम्हारा ठीक होता, लेकिन हमने इतना मेहनत से इनको ठोका, इतना शर्मनाक शिकस्त देता, थोड़ा सा हमारा हक भी बनता, 2-4 बोल हमको भी बोल लेने दो। क्यों वे इंडिया वालों, कैसे चटनी लगाया, मजा आ रहा है या नहीं? छोड़ो पंत भैया, तुम बैठ के मजे लो, तुम भी बेइज्जती करोगे तो इंडिया वाला इतना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शर्म के मारे कहीं खुदकुशी डूब के मर ना जाए, तुम छोड़ो हमको करने दो, वैसे आपने दिल की बड़ास निकाल ली। रजवान ब्रदर, हम जितना मर्जी बेइज्जती कर ले इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा एक जुमला इनको चुपता मिर्ची की तरह, और तुम शर्म का बात करता, शर्म इनको नहीं आता, अगर इनको शर्म आता तो इतना बड़ा लंबा लंबा बोल काय को बोलता, तो मंडके करो बेइज्जती, ये कुछ नहीं करता, शर्म नहीं होता। चुप करो, घंटा हो गया हमारी बेइज्जती करने पर तुल्य हो हुए हो यार, इज्जत थोड़ी होता है, अब क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, एक टीम ने हारना था, एक ने जीतना था, अब ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तुम काय को दिमाग खराब करता, निकलो। रोहित भैया काय को निकले भैया, हम तो कोटा तुम्हारा बेइज्जती का पूरा करके जाएंगे, और क्रिकेट में हार जीत होती है सबको पता है, लेकिन तुमको अब भी पता चला, हारने के बाद पहले तो लंबी लंबी फेंक रहे थे, और ऐसे कौन हारता 209 रनों से, शर्म कर लेते कुछ। बस करो बाबर भैया, वो तो आज मेरा बल्ला चलना नहीं, मैं दूसरी गेंद पे शून्य पर आउट हो गया, अगर मेरा बल्ला चलता आज आधा शतक भी होना था, बल्कि शतक होना था और जीतना था, गलती हो गया, हम आउट हो गया, चलो अब कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। जड्डू ब्रदर, पहली पारी में आपने रन नहीं बनाए, वो हमने जानबूझ के बनवाए 9 गेंदे कर करके, भैया मैच तो तीसरे दिन खत्म होने वाला था, हमने एक पारी से जीत जाना था, वो तो इंग्लैंड वालों ने हमारे सामने हाथ जोड़े कि भैया हमको थोड़ा पैसा कमाने दो, तीसरे दिन नहीं खत्म करो, पांचवें दिन लेके जाओ। इंडिया वालों ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, तुम कुछ शर्म करो, ऑस्ट्रेलिया वालों को देखो, मैच भी जीता पहली पारी में, आपकी लाज भी रखी, फुल फॉर्म में नहीं होने दिया, मैच को भी पांचवें दिन लेके गए, फिर भी आपको इतने गंदे तरीके से ठोका 209 रन से। हाँ इंडिया वालों, ऑस्ट्रेलिया वालों ने मैच को भी बना के रखा पूरे 4 दिन भैया, और तमाशाइयों को भी मजा आया मैच देखने में, और पांचवें दिन उन्होंने भैया अपना असली रंग दिखाया, तो तुम्हारी औकात सामने आ गई, अब बोलो। रजवान मियां, इनकी भी इज्जत बचाए रखी, 4 दिन टेस्ट मैच को चलाया ताकि भैया लोगों को मजा आए, इंग्लैंड वाले भी पैसा कमा सके, और भैया टीवी पर भी चलता रहे, इनको क्या लगा ये जीत जाएंगे, फिर पांचवें दिन असली रंग दिखाया, 2 घंटे में 7 विकेट इनकी उड़ा डाली। अबे यार बस करो, तुम खामखा इतना नहीं हमारा बेइज्जती करो, और बाबर भैया तुम हमको बताओ भैया हमसे कहां गलती हुई, कहा हमने चूक की, तुम ससुरा उल्टा हमारा बेइज्जती करते जा रहे हो, अजीब दोस्त होता यार, हमको बताओ वो गलती हम आगे से फिर नहीं करता, फिर जीत। बोली भैया क्या बात कर रहे हो यार, आप तो हमसे बात करना गवारा नहीं समझ रहे थे, फाइनल में क्या पहुंचे, और हमको कह रहे थे तुम छठे नंबर पर हो, अब जब हारे हो तो हमारी याद आई है भैया, गलती आपने एक थोड़ी की, गलती पे गलती की, हम क्या करते फिर। चलो छोड़ता बाबर ब्रदर और कोहली ब्रदर, आपके बस की बात नहीं होती हमसे जीतता, आपकी ऐसी की तैसी हो जाती जब तुम लोग हमारे सामने आता। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।